स्पॉन्सर्ड बाई NABL लैब, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी, पता है रामपुर बघेलान सतना मध्य प्रदेश। रीवा पुलिस का अवैध शराब पर बड़ा एक्शन, 15 ठिकानों पर एक साथ मारी रेड, 500 लीटर कच्ची शराब व 15 क्विंटल महुआ लाहन जब्त, 5 घंटे तक चली छापेमार कार्रवाई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नशे को लेकर दिए गए रिएक्शन के बाद पूरे प्रदेश का पुलिस अमला एक्शन पर उतर आया है। प्रदेश भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में नशे के कारोबारियों के ठिकानों में लगातार छापेमारी कार्रवाइयों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री के इस अभियान में रीवा पुलिस ने भी नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी सहभागिता निभाई है। महज 12 घंटे के भीतर रीवा पुलिस ने जिले के 2 अलग अलग तहसीलों में नशे के कारोबार करने वाले लगभग दर्जन भर से अधिक ठिकानों में एक साथ छापामार कार्रवाई की है। तकरीबन 5 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 500 लीटर कच्ची शराब और 15 क्विंटल महुआ लाहन जब्त किया है। ये कार्रवाई SP नवनीत भसीन के निर्देश पर मऊगंज एडिशनल SP विवेक कुमार लाल, SDOP नवीन दुबे, मनगवा SDOP कृपाशंकर द्विवेदी की मौजूदगी में कई थानों की पुलिस ने मिलकर की है। पुलिस ने इस छापेमार कार्रवाई के दौरान कुल 15 प्रकरण बनाए हैं जो मऊगंज और नईगढ़ी थाने में दर्ज किए गए हैं। SP नवनीत भसीन ने बताया कि नशे खिलाफ प्रदेश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान के तहत नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है जो निरंतर जारी रहेगी। जिले में नशे खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद अब नशे के कारोबारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। शराब का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ मऊगंज में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। SP नवनीत भसीन के निर्देश में कार्रवाई करते हुए मऊगंज में पहाड़ी नरपति सिंह गांव में एक साथ 11 ठिकानों में दबिश दी गई, जहां से कुल 405 लीटर देशी शराब जब्त की गई है। इसके अलावा पुलिस ने 11 क्विंटल महुआ लाहन भी मौके पर मिला, जिसे पुलिस द्वारा नष्ट किया गया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 11 लोग खिलाफ अबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। वहीं रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई में 95 लीटर कच्ची शराब व लगभग 4 क्विंटल से ज्यादा महुआ लाहन जब्त किया है। थाना प्रभारी मिथिलेश यादव के मुताबिक इलाके में शराब बनाने वाली 3 महिलाओं सहित एक पुरुष के विरुद्ध अबकारी अधिनियम का प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में हम लोगों ने न सिर्फ अवैध शराब पर कार्रवाई की, अपितु कई बार ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है कि ग्रामीणों द्वारा अवैध शराब का निर्माण किया जाता है। इससे न सिर्फ सुरक्षा जीवन को सुरक्षा का खतरा है, अपितु स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसे देखते हुए हमारी टीम लगातार कल से सक्रिय है और हम लोगों ने आज 25 क्विंटल के आसपास लाहन नष्ट कराया है। साथ ही 18 केसेस हमारे बने हैं जिसमें कि लगभग 550 लीटर ऐसी शराब को हमने जब्त भी किया है और इसके द्वारा हमें लगता है कि क्षेत्र में काफी इससे लोगों को संतोष मिलेगा और सामान्य मारपीट, झगड़े, चोरी जैसी घटनाओं पर भी अंकुश इसमें लगेगा और एक अच्छा संदेश समाज में जाएगा।